नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर जौनपुर से। जौनपुर जिले के मड़ियाहू के एल पब्लिक स्कूल मोकलपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा, जिसके संयोजक विशाल सेठ व जिला संघ संचालक प्रेम बहादुर सिंह, जंग बहादुर यादव, दीपक द्विवेदी, रविन्द्रनाथ मिश्र, शिवाकांत पांडे, अम्बीर सिंह, संजय पाठक, जगदीश चौहान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मनीष कुमार चौहान की इस खास रिपोर्ट को। अपना नाम और परिचय बताइए सर। प्रेम बहादुर, मैं राष्ट्रीय संघ में मछली शहर जिले का जिला संचालक हूँ। आज हमारा पट्टी जमालापुर है, मैं अध्यापक था। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, इसका क्या उद्देश्य है? भारत में पूरे देश के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह 19 नवंबर से प्रारंभ हुआ है और 16 दिसंबर को महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन से प्रारंभ हुआ है। और जिस दिन बांग्लादेश के स्वतंत्रता में भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का समर्पण कराया था, उस दिन समाप्त हो। इसका कोई उद्देश्य चुनाव से तो जुड़ा नहीं है? इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, यह सीधे सीधे राष्ट्रभाव से जुड़ा हुआ है। भारत देश में राष्ट्र को समझें, राष्ट्रीय भावना को समझें। जब तक राष्ट्रीय भावना पूरे देश में जागृत नहीं होगी, तब तक बिपिन रावत जैसे महान योद्धा के मृत्यु पर भी लोग सोशल मीडिया पर गलत जो ढंग से फैला रहे हैं, यह अपमानजनक है। यह भारत के लिए अपमानजनक है, यह देश की स्वतंत्रता के लिए अपमानजनक है। युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका तिरंगा यात्रा के महोत्सव में? आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हमारे विभिन्न संगठनों द्वारा जो मनाया जा रहा है, जगह जगह हर बाजार हर चौराहे पर तिरंगा यात्रा का जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है, इससे हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता का जन्म हर प्रत्येक नागरिकों के मध्य कराना चाहते हैं। और हम प्रत्येक युवा से अपेक्षा करते हैं कि हमारे जब बिपिन रावत जैसे सैनिक शहीद होते हैं तो उन शहीदों का सम्मान देश के लिए सर्वोपरि है, ना कि कुछ नौटंकीबाजों की तरह टिप्पणी करना, ये बिल्कुल औचित्यपूर्ण नहीं है। ये हमारी युवाओं से अपील है, अपने देश की सेना के साथ हमेशा हर स्तर पर खड़े रहना चाहिए। क्या युवाओं के लिए क्या संदेश होगा आपका? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है, आप दिन भर काम करते हैं, आप अपने देश के लिए कम से कम 24 घंटे में एक घंटा निकालें। बॉर्डर पे खड़े होकर काम करना बस देश के लिए काम करना नहीं होता है, बहुत तरह से आप देश की सेवा कर सकते हैं। और सभी युवाओं से मैं ये अपेक्षा करता हूँ और ये मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि आप आगे आएँ और राष्ट्र की सेवा और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। क्या भारत माता की जय! भारत माता की जय! क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश में फिर से बीजेपी सरकार आएगी? अब यहाँ सरकार का विषय नहीं है, सरकार तो जो अब राष्ट्रवाद जिसके अंदर है वो राष्ट्र का निर्माण जो भी पार्टी कर रही है उस दिशा में युवा जाएंगे और उनकी पुनः सरकार बनेगी।